बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लेक्चर नंबर 3। इन दिस सीरीज वी हैव ऑलरेडी डन 2 लेक्चर्स, वी हैव टॉट 2 टाइम्स एक्चुअल व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट इन ऑर्डर टू लर्न ग्रामर व्हिच इज ऑलवेज टाइम टेकिंग एंड परस्पिरेटरी वर्क, बट दैट नॉलेज वाइज वी कैन से दैट दैट कैन नॉट बी इजीली अटेनेबल। We have to do hard work in order to get these things just on the basis of our conceptualization or which is wrong one, we cannot approach the things exactly. The experts, we should follow the experts in this criteria. The subject and predicate, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ ही उस वक़्त तक समझ सकते हैं, उस वक़्त हमें बात समझ आएगी जब हमें सब्जेक्ट क्लियर होगा। अब ये सेंटेंस, ये एग्जांपल्स जो मैंने 14 लिखी हैं और 2 एग्जांपल्स अलग लिखी हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है ना वो सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने देखना है कि प्रेडिकेट क्या चीज़ है और सब्जेक्ट कैसे शक्लें बदल के आता है। अब इसमें पहली एग्जांपल में देखें आप, शी प्रोनाउन, सिंपल प्रोनाउन दे, लेकिन आप यहाँ देखें कि अगर यहाँ कैन से पहले कट मारे आर रेगुलर एंड पंक्चुअल बॉय 1, 2 और 3 इसके अंदर एडजेक्टिव्स लगे बॉय नाउन से पहले, अब ये पूरी की पूरी फ्रेज विच इज नोन एज नाउन फ्रेज, ये एक सब्जेक्ट है। अब आप देखिए जब हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगेगी हमें, जाहिर है। फिर आप इससे अगली एग्जाम्पल में देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ स्मॉल थिन ब्यूटीफुल कैट 1, 2, 3, 4, अब ये उससे भी बड़ी फ्रेज है। और नाउन फ्रेज अगली देखें सब्जेक्ट, द गर्ल्स आर रिसाइटिंग द होली कुरान नाउन फ्रेज, अब ये तो एक एक नाउन फ्रेज है 1, 2, 3, एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे अ रेगुलर एंड पंक्चुअल बॉय एंड द स्लगिश बॉय कैन नॉट बी कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड। अ स्मॉल द गर्ल्स आर, अब देखिए द बॉयज 1 नाउन फ्रेज, द गर्ल्स 2 नाउन फ्रेज एंड द चिल्ड्रन 3 नाउन फ्रेजेस। अब देखिए ना सब्जेक्ट एक लव से हम चले हैं सफर करते हुए, अब इसी में प्रोनाउन में भी 3-3 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे देखिए ही यू एंड आई हैव द पावर, अब जो अच्छा काम कर रहे हो ना तो दोस्त यानी कि आप यू एंड ही दो 231 यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वन पर्सन। तो अब आप देखिए इसमें 3 सब्जेक्ट आए हुए और इसमें फ्रेजेस की शक्ल में आए हुए, या एक इंग्लिश लर्नर को, बेसिक लर्नर को या एडवांस लर्नर हो, बेसिकली उसे फार्मूला अपने जहन में रखना चाहिए कि कहाँ सब्जेक्ट एक है, कहाँ 2 है, कैसे 3 और कैसे। अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में फर्क समझ आएगा तो फ्रेजेस और क्लासेस के सीखने का अमल शुरू होगा। अब जो अगली एग्जाम्पल है वो क्लास में है, देखिए द बॉयज हु डोंट डू हार्ड वर्क, एक नाउन क्लास ये बतौर सब्जेक्ट के है, द गर्ल्स हु डू द हार्ड वर्क ये दूसरी क्लास। अब ये नाउन क्लासेस है जो बतौर सब्जेक्ट, जैसे उर्दू में कहते हैं बतौर सब्जेक्ट के यूज हो रहे हैं, कांट सिट साइड बाई साइड। अब ये तो था आपको ये बताने का मकसद फर्स्ट 6 एग्जाम्पल्स में कि कहाँ पर सब्जेक्ट एक लफ्ज़ जैसे प्रोनाउन आ जाता है सिंपल, कहीं नाउन आ जाता है जैसे असलम रनज एक नाउन है, कहीं पर एक फ्रेज आ जाती है, कहीं पर वो फ्रेज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कहीं पर काफ़ी सारी फ्रेजेज आ जाती हैं, फिर फ्रेजेस को छोड़ के कभी कभी क्लासेज आ जाती हैं। तो ये हमने उसको, अब हमें ये उस वक्त तक समझना है
मेरा अपना वैसे पर्सनल व्यू है ये, ग्रेबेरियन तो मैंने नहीं पढ़ा ना मैंने सुना, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है कि एक जुमले को ना आप एक मुल्क की सरहद समझ लें, और एक जुमले के अंदर कई, ये जुमला जो एक दुनिया है और उसके अंदर काफ़ी मुल्क है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि ये बाउंड्री आप सब्जेक्ट की ख़त्म हो गई और आगे जितनी भी बाउंड्री शुरू हो रही है वो प्रीडिकेट की है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारी जो चीज़ें हैं जिसमें वर्ब भी शामिल हो गया वो प्रीडिकेट है। तो देखो ये समझना आसान हो गया कि अब हमने जो सब्जेक्ट पे जितने भी हैं आया तक लगाएंगे ये प्रीडिकेट है, तक लगाएंगे ये प्रीडिकेट है, तक लगाएंगे प्रीडिकेट है, कट लगाएंगे प्रीडिकेट है, कट लगाएंगे ये प्रीडिकेट है, कट लगाएंगे ये प्रीडिकेट है, फिर ये वाला प्रीडिकेट यहाँ आया, ये वाला प्रीडिकेट। इसी तरह कुछ ऐसे सेंटेंसेस था जो हु जिसमें बतौर सब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु ओपन्स द डोर, तो जाहिर है हम इसको छोड़ कर बाकी सारा जो प्रीडिकेट इसको छोड़ कर हु स्टील्स माय पेन। अब आ जाए सेंटेंस नंबर 10 पर, सिट डाउन, सब्जेक्ट भी मिसिंग है लेकिन ये हमें पता है कि सेकंड पर जब भी आप किसी को, इसको कहते हैं उर्दू में फेल अमर और इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अलग से लेक्चर होगा लेकिन अब यहाँ पर इशारा तन बात है इंपेरेटिव सेंटेंसेस कि यू मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग और वो ऑलवेज यू होता है। जब हम किसी को कहते हैं ड्रिंक वाटर, कम हेयर, रीड द बुक, तो ऑटोमेटिकली हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कह रहे होते हैं, तो सब्जेक्ट जो होगा वो मिसिंग होता है। देयर गोज द बेल, अब देखिए अब गो ये भी एक पूरा एक सेंटेंस है, जाओ ऑटोमेटिकली किसको कह रहे हैं, सेकंड पर्सन को, और सेकंड पर्सन क्या है, जाहिर है यू है। अब इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट मिसिंग है और गो जो है इसमें प्रेडिकेट कहलाएगा। देयर गोज द बेल, अब देखिए एंड पे चला गया सब्जेक्ट, इसका मतलब है सब्जेक्ट एंड पे भी जा सकता है। ये जो स्टाइलिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट शुरू में आए तो क्या है, दरमियान में आए तो क्या है, और आखिर में आए तो बात क्या है। जैसे हम अपनी मर्जी से काफ़ी दफ़ा लफ्ज़ लगा लेते हैं, जिंदगी क्या है, क्या है ज़िंदगी, अब देखे मैंने शुरू में भी ज़िंदगी लगा दिया, एंड पे भी, दरमियान में भी आ सकता, क्या ज़िंदगी है, एडजस्टमेंट। अब ये ज़रूरत के वक्त है किसी पे स्ट्रेस देनी है, एम्फेसाइज करना है या स्ट्रेस नहीं देनी, तो बिल्कुल इसी तरह एंड पे चला गया, यहाँ दरमियान में आ गया, 40 बॉयज मिडल में आ गए सब्जेक्ट, और यहाँ व्हाट अ मैन इज एंड पे आ गया, शुरू में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है, और दरमियान में मिडल में भी आ सकता है। तो बात जो समझने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि हमने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अलग कैसे कैसे करें। वहाँ प्रीडिकेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब सब्जेक्ट पे डिफरेंट फ्रेजेज आ जाएँ या क्लाजेज आ जाएँ। हाँ, आमतौर पर अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें इसमें तो बहुत आसान हो जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन अगर आप नीचे एग्जाम्पल्स पर आए तो जो जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता चला जाएगा तो प्रीडिकेट को डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना, सेपरेट करना या हमें समझना समवट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब ये जो एग्जांपल नंबर 1 और 2 लिखी है, एक्चुअली ये भी इतनी ही तफसील मांगती है कि ऑब्जेक्ट क्या है, फिनाइट वर्ब और इनफिनाइट वर्ब क्या होता है, तो ये इंशाल्लाह हम इसको अलग से लेक्चर में बात करेंगे। तो द मदर बॉट मी अ ब्यूटीफुल रिंग, माँ ने मुझे खूबसूरत अंगूठी खरीद के दी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब हमें ऑब्जेक्ट का भी देखना होता है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरे बुरा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही रोट मी अ लेटर, ये देखिए फिनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हमने इसके अंदर जो डिस्कस किया है ये टॉपिक हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये तो सिर्फ इसको बताया गया कि सब्जेक्ट पे अगर डिफरेंट कैटेगराइजेशन हो सकती है, डिफरेंट यानी कि फ्रेजेस क्लासेस में आ सकता है, तो ऑब्जेक्ट की भी सेम पोजीशन हो सकती है। इसलिए जो इसकी बेसिक फार्मूला है ग्रामर को समझने का, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये अपने जहन में रखें और ये याद रखें कि सब्जेक्ट पे नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लास सब्जेक्ट पे भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट पे भी आ सकते हैं।
ये जो वर्ब है ये अपनी शक्लें बदल रहे हैं। सिक्स फॉर्म्स यहाँ फॉर्म मीनिंग तीन शक्लें, तो तीन फॉर्म्स तो वो है जो जनरल है, और जैसे गो एंड गॉन एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ, गो एंड गॉन, और गो में से तीन फॉर्म निकलेंगे, जैसे ई एस टर्म निकल सकती है, गोइंग और टू गो इन्फिनेटिव। तो ये छह शक्लें बन गई, एक दो तीन, ये तो बहुत मशहूर है, और ये भी जिसको लोग चौथी फॉर्म कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये वाली तीन शक्लें इस तरह से बनती हैं, इन्फ्लेक्शन, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। तो हमें ये समझ आया कि वर्ब को अगर हमने अलहदा करना है, सब्जेक्ट को अलहदा करना है, इसका फ़ायदा में ये होता है कि हमें पता होता है कि हम क्या जुमला बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, और जब ये चीज़ें हमें समझ आती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह एक खूबसूरत दीवारें ग्रामर की चुनी जाती हैं, यानी बन जाती हैं, कंस्ट्रक्टिव हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो आप रिटर्न क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।